अपने बच्चों को जो चाहे बना सकते हैं, लेकिन फुर्सत कहाँ है किसी को कि परिवार में बोले तो पिटाई हो गई, मित्रों ने उनको फांस लिया, अब बार बार उनको ब्लैकमेल किया जाए, बार बार उनका शोषण हो रहा है, रास्ता कोई है नहीं, बार बार धमकी आ रही है हम तुम्हारा वीडियो और वो फिर अपने शरीर को ही नष्ट। ये बच्चा प्रश्न किया, इसलिए फिर वही स्मृति आ गई, बचाओ अपने बच्चों को, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य है। महाराज जी कहती है जैसे क्लास में जाती है बच्चों से बात करनी हो, कोई जैसे गलत व्यवहार करे या गलत बोले तो उससे किस भाव से बात करें? नहीं, बात ही नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चों से बात नहीं करना चाहिए, नहीं, बहुत बुरी तरह बच्चे बिगड़ रहे हैं। एक भगत का बच्चा है 12-13 वर्ष का है, तो अपने लोगों को जैसे आपके चेहरे देखे तो अभी पता चल जाएगा कि आप किस कोट के आए, चेहरा मतलब ऐसे देखना अलग होता है, जब वो ऐसे देखेंगे ना जैसे डॉक्टर मरीज को देखता है तो उसको उस रूप में देखा, हमको अरे इस समय तो ये ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है, क्यों रे ये ब्रह्मचर्य कैसे तेरा नष्ट हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, लक्षण प्रकट है, प्रमाण है कि तू ब्रह्म, तो उसने कहा हम गंदी बात करते हैं। कैसे सीखा? बोले अपने दोस्तों से सीखा, उसके ऊपर कड़ी शासन कड़ी वृत्ति करके फिर उसको, अब 12-13 वर्ष का बच्चा अब ऐसी गंदी बात तो उसका जीवन क्या रह जाएगा, उनको तो खिलवाड़ लगता है ना, खेल लगता है उनको, और ये खेल जीवन के नाश की तरफ ले जाएगा, जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी तैसे तैसे वो नष्ट होते चले जाएंगे। इन नए बच्चों में जो गलत संस्कार, बचाओ अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने परिवार के बच्चों को बचाओ, मित्रवत बैठो उनके पास, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि अगर ऐसी कोई गंदी बात है तो तुम खुल के हमसे बात करो, उसको छोड़ो, इससे लाभ नहीं मिलेगा, सत्संग सुनाओ, अच्छी बातें उनको सुनाओ, यही संस्कार है। गर्भ में प्रहलाद जी थे, नारद जी ने शिक्षा दी तो महाभागवत बन गए, गर्भ में अभिमन्यु जी को चक्रव्यूह तोड़ना आ गया, तो हम प्रगट में अपने बच्चों को जो चाहे बना सकते हैं, लेकिन फुर्सत कहां है किसी को, वो खुद इतने मनोरंजन संसार में फंसे कि बच्चा कहां बह रहा है। बच्चों को ऐसे मित्रवत बैठाना चाहिए, दोस्त की तरह पूछना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, कोई गंदी बात तो नहीं, अगर कोई गंदी बात करता हो या तुम्हारा मित्र या कुछ ऐसा मोबाइल, तो आप हमसे खुल के बात कर सकते हो, हम तुम्हें बचा सकते हैं, हम तुम्हें अच्छा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको दबकाना चाहिए तू गंदा, ऐसे नहीं, वो फिर तुमसे सब छुपा लेंगे, और दोस्त की तरह बात करोगे, हंसोगे, खिलाओगे पिलाओगे तो अपनी बात रख देंगे। बहुत से बच्चे अपने शरीर को इस बात में नष्ट कर दिए कि परिवार में बोले तो पिटाई हो गई, मित्रों ने उनको फांस लिया, अब बार बार उनको ब्लैकमेल किया जाए, बार बार उनका शोषण हो रहा है, रास्ता कोई है नहीं, बार बार धमकी आ रही है हम तुम्हारा वीडियो और वो फिर अपने शरीर को ही नष्ट। तो हमें लगता है अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, माता पिता को मित्रवत व्यवहार करके दुलार पूर्वक पूछना चाहिए कि देखो हम लोगों से भी गलती सुधार किया जाता है, अगर तुमसे कोई गलती हम डांटेंगे नहीं, उसका सुधार हो जाएगा, कोई तुम्हारा दोस्त तुमको इस तरह से सता रहा हो, इस तरह से कर रहा हो, तो अपने बच्चों का सुधार किया जाए। आजकल माता पिता थोड़ा उदासीन बच्चों से रहते हैं, पढ़ाई और पैसा दे देना ही नहीं है, थोड़ा उनको समय देने की जरूरत है। आप पैसा कमा रहे हो अपने परिवार के लिए, ड्यूटी में रत हो, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, आपको पैसे से ज्यादा आपकी उपस्थिति बच्चे का परम मंगल कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो आज हमारे भाई लोग इस बात को थोड़ा कम ध्यान देते हैं, अपनी ड्यूटी में, अपने कार्यों में, अपने मनोरंजन में इतना मगन है कि समझते छोटे छोटे नहीं है, कलयुग है, 10-12 वर्ष का बच्चा हर बात समझ रहा है, जो 25 वर्ष का नहीं जानता था वो 12 वर्ष का जानने लगा है। तो हमें लगता है बच्चों को सही दिशा में ले जाने की बढ़िया अवस्था होती है, तो माता पिता को, अगर पिता को इतना समय नहीं तो माँ को जरूर एकदम मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है, बच्चों से प्यार से बात करके, दुलार से बात करके उनको बचाया जा सकता है। नहीं, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे जो बड़े लोग गृहस्थी में करते हैं वो छोटे बच्चे करने लगे, जिनका जीवन बड़ा संकट में है। ये बच्चा प्रश्न किया, इसलिए फिर वही स्मृति आ गई, बचाओ अपने बच्चों को, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, ये तुम्हारे कुल के दीपक हैं, अगर आप उनको बचाओगे नहीं तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, फिर लौटना मुश्किल है, फिर वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, जब थोड़ा सयाने हो जाएंगे तो आपने चूंकि सही मार्ग नहीं दिया तो दुर्व्यवहार आपके साथ करेंगे बहुत, मतलब वो माँ जो गर्भ में रखा, जो उसको पाला पोषा इतने बड़े सयाने, अब बुढ़ापे में जब चलने लायक नहीं तो उसको अनाथालय में, ये क्या है बच्चों की शिक्षा, ये क्या है बच्चों को प्यार, क्या है बच्चों का स्वरूप, बिगाड़ दिया ना। इसमें हम बच्चों का केवल दोष नहीं देते, माता पिता का भी दोष है, आपका प्यार, आपकी उदासीनता उनके प्रति जो रही तो आपका प्यार ही नहीं काम कर पाया। नहीं ऐसा कैसे, हमें तो हृदय से लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप के साथ कोई बेटा ऐसा बर्ताव करे, उसकी धूर्तता बढ़ती गई, उदंडता उच्छृंखलता बढ़ती गई, इसलिए ऐसा हो गया। कलयुग का प्रभाव नहीं तो
माता पिता तो भगवान है यार, अगर माता पिता की सेवा ना हो पाई तब तो फिर जीवन ही नरक है। क्या मतलब, जीवन का मतलब क्या रहा? पत्नी आ गई, पुत्र आ गए, उनको अनाथालय में भेज दिए, तो तुम भी तैयार रहो, तुम्हारे जो तैयार तुम्हारे जो तैयार होंगे ना, वो तुमको बाबूजी कह के सोफा में नहीं बिठा लेंगे, वो भी अनाथालय ही भेजेंगे। ध्यान रखना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। तो बच्चों को तैयार किया जाए, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य। इसी में कोई एमएलए है, कोई मुख्यमंत्री, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसी में तो है ना। कोई राष्ट्र का भक्त बनेगा, कोई देश का सेवा करने वाला किसान बनेगा, तो कोई विद्वान बनेगा, कोई महात्मा बनेगा। सब पढ़ते तो एक ही स्कूल में है, मतलब हम लोग भी तो स्कूल में पढ़े ना, राष्ट्रपति भी जो है वो भी स्कूल में ही पढ़े, तो उसी स्कूल से निकलते हैं। कोई राष्ट्रभक्त निकलता है, कोई भगवान का भक्त निकलता है, कोई देश को संभालने वाला, तो कोई देश को बिगाड़ने वाला, उन्हीं में सब बनते हैं। तो हमें माता पिता से प्रार्थना है, क्योंकि लाखों के पास जाएगा यूट्यूब में, कि वो अपने अपने बच्चों को दोस्त की तरह बैठा कर उनकी समस्याओं को समझें और उनको गलत रास्ते से बचाएं।